जय हिंद किसान साथियों, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार मेरे चैनल एग्रीकल्चर सपोर्ट प्लस में। किसान साथियों, ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये इस समय आयसर 380 ट्रैक्टर है ना आपका, आयसर 380 ट्रैक्टर पे ये आटा चक्की और पीछे आप देख सकते हैं मसाला पीसने वाला चक्की लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये जा रहे थे, मैं इस समय कुशीनगर में हूँ, तो हमने सोचा कि आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बेनिफिट है इस काम को करने में, इससे अगर कोई भी और भी किसान काम करना चाहते हैं तो इस काम को कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे तो उनको बढ़िया सफलता मिलेगा, और ये भाई साहब का अनुभव क्या है, तो आइए हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करके आपको बताते हैं। तो भैया स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। नमस्कार भाई। हाँ, आपका शुभ नाम क्या भैया? विनोद यादव। विनोद यादव जी, विनोद यादव जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? साखोपार के। साखोपार? हाँ। साखोपार किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? कुशीनगर। कुशीनगर पड़रौना के पास है? हाँ, पड़रौना के पास है। अच्छा अच्छा, ये बताइए ये जो मशीन है आपकी, हाँ। इस मशीन को आप कितने दिन से चला रहे हैं? हमको लगभग चौथा साल है। चौथा साल है? हाँ। अच्छा, तो चार साल में भैया ये बताइए किस कंपनी का है? ये हीरो का है। हीरो का? हाँ, हाँ। हीरो बोले तो ये कहाँ की बनी हुई है? राइस पंजाब की है। पंजाब की। किसान साथियों ये देख सकते हैं, ये बता रहे हैं हीरो की बनी हुई है और इसके जो है मिस्त्री निर्मल सिंह ऐसे कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, मोहर भी है देखिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ, भक्ता भाई पंजाब करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये है, अब ये बताइए भैया, ये आपका जो इनका ट्रैक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयसर 380 ट्रैक्टर है, और ये बताइए आटा चक्की आप चार साल से चला रहे हैं, तो इस चार साल में आपका अनुभव क्या है इसके ऊपर? इसमें बहुत अनुभव है हमारा। अच्छा, तो ये बताइए कि लगभग एक घंटे में लगभग इसकी अगर आटा की पिसाई करें, हाँ। तो लगभग एक घंटे में कितना आटा पीस सकते हैं? और इसके छीनी के ऊपर होता है लमसम, अगर छीनी रहेगी तो 3 क्विंटल निकालेगी हमारी गाड़ी। अच्छा, मतलब अगर पत्थर छीना हुआ रहेगा तो 3 क्विंटल निकालेगा, छीनी दबेगी तो कम निकालेगा, छीनी दबा रहेगा तो कम निकालेगा। तो एक घंटे में अगर 3 क्विंटल आप आटा की पिसाई कर दे रहे हैं तो लगभग क्या पैसे का काम हो जाएगा? 900 का होगा। और एक घंटे में लगभग आपका ट्रैक्टर कितना डीजल उठाएगी? और डीजल ये 5.5 के करीब में जाएगी, 5.5 लीटर के करीब में जाएगी। तो दोस्तों एक घंटे में अगर अच्छा खासा छीनी रहा इसमें, छीनी का मतलब जो पत्थर है वो छीना हुआ रहेगा, हाँ, दांत अगर अच्छा रहा तो एक घंटे में भाई साहब बता रहे हैं लगभग 3 क्विंटल आटा निकाल देगी। और एक घंटे में बता रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर है कितने RPM पे चलता है इस समय जब आपका आटा चक्की चलता है? चलाते हैं 12 से 13। 12 से 13, तो एक घंटे में 5 लीटर उठा लेता है? उठा लेगा। मुझे लगता है कि शायद कम उठाएगा। कम भी उठा सकता है, गल्ला अगर मान लीजिए नम नहीं रहेगा तो कम उठाएगा। हाँ, तो किसान साथियों आप समझ सकते हैं कि आयसर 380 ट्रैक्टर है, 40 HP के सेगमेंट में आता है, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि एक घंटे में लगभग 4 से 5 लीटर लगभग डीजल उठा लेता है। तो आप अपने हिसाब से आंकड़ा निकाल लीजिएगा, 1200 से 1300 RPM पे चलता है और 900 रुपये का जो है एक घंटे में काम करते हैं। तो 900 में से मान लीजिए अगर 500 का डीजल या खर्चा वर्चा आप निकाल लीजिए, क्योंकि इस गांव से उस गांव जाना पड़ता है, क्यों भाई साहब? हाँ, गांव जाना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा काटा हर जगह 1 क्विंटल 2 क्विंटल भी नहीं मिलता, माइनस ज़्यादा हो जाता है, माइनस ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी चीज़ होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं इधर से उधर जाना हुआ तो मान के चलिएगा 1 क्विंटल गल्ला पीसने का मतलब है समथिंग मान के चलिएगा 500 का खर्चा हो जाएगा, तो लगभग 400 रुपये बचत आ जाएगा। और ये जो आप क्या नाम है मसाला पीसते हैं इसी के साथ उसको भी चला लेते हैं? दोनों एक ही साथ चलता है हमारा। दोनों एक साथ चलता है। कुछ ऐसी भी मशीनें आती होंगी जो पारी पारा चलता होगा? पारा पारी जैसे मान लीजिए इसको ज्यादा गला देंगे तो वो नहीं चलेगी। अच्छा, इसको ज्यादा गला देंगे तो वो नहीं चलेगा, इसको कम करना पड़ेगा। इसको कम करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर कम गला देते हैं तो दोनों चल जाएगा? दोनों चल जाएगा, एक साथ चलेगा। और अगर इसके साथ में उसको मसाला भी पीस रहे हैं तो लगभग मसाला अगर हम चला रहे हैं तो एक घंटे में कितना मसाला पीस सकता है? क्या मसाला तो मैं अपने अनुभव के ऊपर अंदाज के ऊपर कम गला कम इतना मसाला पीसने के लिए मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है हमारा। किस किस तरह का मसाला पीस सकते हैं इसमें? और जौन सा मसाला पीसवा आदमी खाने के लिए चाहे वो भी दवा के लिए, हम दवा भी पीसते हैं, आयुर्वेदिक दवा भी पीसते हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी और जो दाल वगैरह है सारी चीज़ें सब डरते हैं हम। अच्छा, तो ये मसाला वाला मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक घंटे में लगभग कितना बेनिफिट होता है उसका हमको थी नहीं है कि कितना निकालेगी वो। अच्छा, कितना निकालेगी इसका अंदाजा नहीं है? अंदाजा नहीं। तो पैसा कैसे लेते हैं आप? वो 20 रुपये किलो चलती है। वो 20 रुपये किलो चलती है उसका? हाँ। और ये कितना रुपये किलो चलती है? 3 रुपये। ये 3 रुपये किलो चलती है। तो दोस्तों ये 3 रुपये किलो चलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब मीटर भी रखे हैं अपना, कांटा है, है ना। तो वेट करते हैं आप जो भी रहता है तौल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से पीस देते हैं। क्या बात है। ये बताइए भैया, अगर अच्छे से मशीन आपने जैसे कितने दिन से मशीन चला रहे हैं आप? चौथा साल है। भैया एक शिकायत जो बहुत ज़्यादा रहता है कि जो पट चक्की होती है, क्योंकि ये पट चक्की है,
बहुत लोगों का ये हमने सुना है कि ये पटचक्की जो है टूट जाता है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। हमारा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, पांचवा पत्थर है हमारा, अभी घर भी जाएंगे तो 4-5 पत्थर ऐसे जोड़ा फेंके होंगे। अच्छा, खत्म हो गया, जैसे खिया पतला हो गया। कितने का पत्थर आता है? और ये है 16,000 और 2,000 भाड़ा, मांग के चलिए 20-22 हज़ार लग जाता है इसमें। 20-22 हज़ार का पत्थर? पत्थर एक पत्थर कितने दिन चल जाता है? 10 महीना। 10 महीना चल जाता है अगर अच्छा से चले तो, 10 महीना है ना। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं तमाम ऐसी कंपनियां हैं कि आज भी किसानों के साथ बहुत कुछ चीटिंग कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हमारे में सेफ्टी है, ये चद्दर है जी, और ये टेम्पलेट है। हाँ। मतलब इसमें अगर कुछ गड़बड़ी भी होगी तो जितने लोग रहेंगे सारा सेफ्टी बच जाएंगे। हाँ। और चक्की में जैसे कट दिए रहते हैं, सारा पत्थर ओपन दिखता है, हमारे में दिखने वाला नहीं है। किसान साथियों, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी हैवी जो है लोहा लगा है और ऊपर से भी चादर लगा है। तो भाई साहब का ये कहना है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत भी हो जाता है तो सब लोग बच जाएंगे, सेफ्टी रहेगा, क्यों भाई साहब? हाँ हाँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले जब गांव में लेकर के ट्रैक्टर जाते हैं तो किस तरह से लोग पेश आते हैं, उसको तो कुछ बताना नहीं है, आप लोग को सब कुछ पता ही होगा। ये देख सकते हैं हीरो कंपनी का। और बाकी इतना स्ट्रगल करने के बाद में लोग गांव में जाते हैं ट्रैक्टर लेकर के काम करते हैं, तो थोड़ा सा भाई जो भी किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं आज से थोड़ा सा अपना, जिन लोगों का नज़रिया अच्छा हो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी और भी जो भी अपने किसान भाई हैं, अपने किसान भाई को आप बेहतर से बेहतर सपोर्ट करें, क्यों भाई साहब? ठीक ठीक। हाँ, बाकी और कुछ और कहना चाहेंगे? कीनेंगे तो इसमें देख के कीनेंगे, ये नहीं पलेटा अलग से कीन लेंगे। हाँ। लगाने में दिक्कत होगी। कैसे मतलब? ये पलेटा होना चाहिए सेफ्टी के लिए। पलेटा होना चाहिए सेफ्टी के लिए, मतलब अलग से कुछ लोग खरीदते हैं क्या? जैसे कंपनी बता, बहुत कंपनियां दे रही ना सब। हाँ। इसमें का मार्का बहुत कम मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। इन भाई साहब का कहना है ये जो ऊपर का प्लेटा दिख रहा है, ये कह रहे हैं अलग से ना किने, इसमें लगा हुआ ही ले। हाँ, लगा हुआ ले। लगा हुआ ले। हाँ। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि अलग अलग से सब जोड़ जाड़ के दे देंगे। जोड़ जाड़ के दे देंगे। हाँ, तो एक ट्रस्टेड ब्रांड का ही खरीदे। हाँ। अच्छा भैया, आपने कहीं सुना है कि नहीं? अपने सुने भाई, दो एक सेखवनिया में भाई साहब का और एक गोबरही में। क्या हुआ? देखे नहीं हम। क्या हुआ था वहाँ? ये तो सुन, पत्थर भड़का है उन लोगों का। अच्छा, पत्थर भड़क जाता है। हाँ। तो उससे कुछ खतरा भी हुआ था? खतरा तो नहीं हुआ था, सेखोने वाले में थोड़ा सा एक आदमी को चोट लगा था, बस एक आदमी को चोट लगा था। हाँ। किसान साथियों, जो भी भाई लोग इस मशीन को लेना चाह रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। मैं तो वही डाल दे रहा हूँ, डाल दीजिए। हाँ हाँ, डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब डाल। एक किस में दर्द है? उसमें दर्द। ये मसाला वाले में भी दर्द देते हैं, उसमें नहीं डराएगा। हाँ, बड़ी वाले में नहीं डराएगा, इसमें दर्द देते हैं। तो भैया ये बताइए, एक आदमी 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदे, उसके बाद ये मशीन खरीदे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा किसान भाइयों को मोटिवेशन मिलेगा, तमाम हमारे ऐसे किसान भाई हैं। वो ट्रैक्टर ले रहे हैं और ये ले रहे हैं तो उनको कहीं जाना नहीं, आराम से अपना कमा लेंगे। कमा लेंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, थोड़ा सा हम एक मिनट और आपका समय लेंगे। जैसे देखिए, एक नॉर्मल परिवार का कोई किसान होता है। हाँ। कुछ अपना खेती बाड़ी अगरम बाइस का काम करता है, जो भी कुछ है। हाँ। उसके साथ साथ ये सोचता है कि हम क्यों ना एक ट्रैक्टर खरीद लें। हाँ। और ट्रैक्टर खरीदने के बाद में जो है उसको लेकर के थोड़ा धंधा करें, ठीक है? ठीक। ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, तो ठीक है भाई। हाँ। लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए, आपकी गाड़ी जैसे कम से कम मान के चलिए 5 लाख की गाड़ी हो गई, 1 लाख का इम्प्लीमेंट हो गया, कितने का खरीदे थे आप? ये हम किने थे 96,000 की। 96,000, यानी आने जाने लेके 1 लाख का हो गया। 5 लाख की गाड़ी और 1 लाख का ये ले करके पूरा दिन मान लीजिए परेशानी ऐसे होता रहता है, गांव गांव जाना रहता है, तो दुनिया भर का दिक्कत भी आती होंगी। तो उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग ट्रैक्टर वगैरह लोन वगैरह लेकर के ले लेते हैं, पता चलता है उनका मंथली ब्याज नहीं आता, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे एक मोटिवेशन की बात है भाई, लोन लेने पर तो उनको नहीं पुरसाएगा भाई। हाँ। लोन का ब्याज ज्यादा आएगा। हाँ। तो ऐसा धंधा करने में बेहतर है कि कुछ और करें? कुछ और कर लें भाई। हाँ, हाँ, इसमें धंधा करें, कभी आएगा कभी जाएगा भी। हाँ, हाँ। किसान से तो ये बात मैं भाई सबसे इसलिए पूछा हूँ, कारण ये है कि मैं समाज में जाता हूँ, देखता हूँ लोगों को, तमाम हमारे ऐसे किसान बंधु होते हैं कि मैं देखता हूँ कि उनकी हालत जो है, जब कोई धंधा आदमी करता है, भैया एक बात बताइए, आदमी कोई धंधा करता है तो उससे विकास होना चाहिए ना, इसको लिए लेता है। हाँ, हाँ। तमाम हमने किसान साथियों देखते हैं कि नई नई गाड़ी लेकर के 1 साल 1.5 साल होता है, तब तक लोग बेचना शुरू कर देते हैं कि भैया इतने में कोई ले ले, इतने में ले ले। कारण क्या है कि धंधा करता आदमी फ्लॉप होता है, तो यही ना दिक्कत आती है। हाँ, हाँ।
बाकी किसान साथियों, हमने आपको ये चीज़ दिखाया है और इससे इसलिए मैंने दिखाया कि इससे जो भी हमारे किसान बंधु हैं इसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इसको। बाकी भैया चलाने वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती है हमारी चक्की में? कोई दिक्कतें नहीं आती है। हम खुद का इसको बनाते हैं अपने हाथ से। अच्छा, इसको सेट करते हैं। क्या बात है। तो किसान साथियों, ये था वीडियो। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं? और जो भी किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया के लिए एक लाइक ज़रूर होना चाहिए। और जितने भी भाई लोग पहली बार आज हमें देख रहे हैं, इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसान भाई लोग का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, या जितने भी हमारे किसान बंधु हैं उनका एक्सपीरियंस जो है हम इस तरह से शेयर करते हैं, अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चलाया करें। भैया बाकी अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई। किसान भाई जो भी लेंगे वो ओरिजिनल देख के लेंगे भाई। अच्छा, डुप्लीकेट मत जाइए। डुप्लीकेट में मत जाइए, मत जाइए, थोड़ा महंगा पड़े चलेगा। महंगा पड़ेगा चलेगा। अच्छा, इससे संतुष्ट है ना इस मशीन से? हम बहुत संतुष्ट है इससे। अच्छा, हम लोकल कोई सामान नहीं लगवाते इसमें। चलिए, इस कंपनी को धन्यवाद दे दीजिए, भक्ता भाई की कंपनी को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद है। ठीक है, ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया, भैया सुन लीजिए, साथ में बोलिए जय हिंद जय हिंद। ऐसे नहीं, धड़ल्ले सुनिए, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम वंदे मातरम।